आज के दिन देश आजाद हुआ तो आज के दिन मेरी अम्मी को ओमान से भी आजादी मिली। देश को मिली आजादी के आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। पूरा देश आज 75वीं वर्षगांठ मनाकर खुशियां जाहिर कर रहा है। आज का दिन उन महिलाओं के लिए भी आजादी का दिन है जो ओमान से अपने देश वापस लौटी हैं। ओमान से लखनऊ पहुंचते ही महिलाएं खुशी से झूम उठी और कानपुर पुलिस का धन्यवाद करने लगी। दरअसल कानपुर के कर्नलगंज के रिजवी रोड निवासी हुस्न आरा के पति ने एक रिपोर्ट अप्रैल माह में मुजम्मिल और अतीकुर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि इन लोगों ने मेरे पत्नी हुस्न आरा को ओमान में अच्छी नौकरी और सैलरी का झांसा देकर उसे वहां भेज दिया। वीजा और पासपोर्ट के लिए लाखों रुपए भी लिए गए, पर ओमान में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, खाना भी नहीं दिया जाता और मारपीट की जाती है। इस मुकदमे के आधार पर कानपुर पुलिस ने जांच शुरू की और मुजम्मिल और अतीकुर रहमान को गिरफ्तार कर पूछताछ में पता चला कि इसका सरगना कर्नाटक से रैकेट चलाता है। पुलिस ने लोकेशन से सरगना मोहम्मद अमीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कानपुर पुलिस इन महिलाओं को भारत लाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई थी। तस्करी प्रकरण में कानपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 6 भारतीय महिलाएं पिछले कई महीनों से ओमान में फंसी थी, उसमें से 3 कानपुर की महिलाएं और 2 चेन्नई और 1 गोवा की महिलाएं, ये आज वापस अपने देश लौटी हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको एक नई आज़ादी मिली है। इन महिलाओं से और पूछताछ की गई, इनके बयान दर्ज किए गए हैं। पता चला है कि और कुछ महिलाएं वहां पर इसी तरीके से परेशान हैं, वहां पर बंद हैं, उनको भी रिहा करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस मामले में पहले ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस तरीके के और अन्य प्रकरण जो भी कानपुर पुलिस के सामने आएंगे उसमें पीड़िताओं को पूरा न्याय दिलाने का कार्य कानपुर पुलिस करेगी।